गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे डे मंडे, डेट 14 दिसंबर 2020, क्लास फिफ्थ, चैप्टर नंबर 2। आपका टॉपिक है रिप्लेसिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट को, किसी भी वर्डिंग को, वर्ड्स को रिप्लेस कैसे करते हैं, मतलब जो भी वर्ड लिखा होता है उसके बदले में और कोई वर्ड फिल करना, उसे बोलते हैं रिप्लेस करना। The find and replace command can be combined to find a particular word or text in a document. आप कुछ भी find करते हो, कुछ भी ढूंढते हो या कुछ भी बदलते हो, जो दोनों commands हैं, find and replace commands को दोनों को मिला के हम क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं क्या ऐसा एक particular अक्षर, particular word या particular कोई text किसके अंदर, document के अंदर, जो भी हमने paragraph तो कुछ भी हमने लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट के अंदर, जो भी हमने लिखा हो उसके अंदर कोई भी वर्ड को या कोई भी टेक्स्ट को हमने क्या करना है, फाइंड एंड रिप्लेस कमांड को दोनों को कंबाइन करके हम उस वर्ड को ढूंढ सकते हैं जिसको हमने चेंज करना है, एंड रिप्लेस इट विद अनदर वर्ड और टेक्स्ट, मतलब एक जगह एक अक्षर के बदले में दूसरा अगर अक्षर चेंज करना, उसे रिप्लेस करना है दूसरे वर्ड के साथ। The steps to find and replace a word or a text in a document are as follows. आपको कुछ भी find and replace करके अगर word को आपको change करना है document के अंदर, तो आपको इन steps को follow करना पड़ेगा। From the home tab, click the replace command. Home tab पे जाओगे सबसे पहले आप, सबसे ऊपर जो top of the लिखा होता है home पे जाओगे, आपके सामने list open होगी। This one, इसके अंदर find, replace, ये फोर ऑप्शंस दिए हुए हैं। सेकेंड नंबर पे है रिप्लेस का ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करोगे, द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विल अपेयर, आपके सामने ये बॉक्स डायलॉग बॉक्स या ओपन हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। टाइप द टेक्स्ट यू वॉन्ट टू फाइंड इन अ फाइंड व्हाट फील्ड, टेक्स्ट आप क्या करोगे, टाइप करोगे जो भी आपको जो चेंज करना है, जो वर्ड आपको ढूंढना है, तो आप इसमें ये लिखा हुआ है रिप्लेस विद और ये आपका सामने बना हुआ है, इसके अंदर आप क्या लिखोगे, वो वर्ड लिखोगे जो आपको चेंज करना है। पहले आप फाइंड वर्ड में वर्ड लिखोगे और रिप्लेस में आपके जो आपने वर्ड बदलना है, पहले आप लिखोगे फाइंड वर्ड में जो आपने वर्ड आपने लिखा हुआ है वो लिखोगे, इसके बदले में आपको क्या लिखना है, ये रिप्लेस विद में आप वो वर्ड लिखोगे। टाइप द टेक्स्ट यू वॉन्ट टू रिप्लेस इट विद, रिप्लेस विद द फील्ड, देन क्लिक फाइंड नेक्स्ट। हमने इसमें भी फिल कर दिया जो हमने वर्ड को ढूंढना है, और इसमें ढूंढने के बाद जो वर्ड ढूंढने मिल जाएगा उसके बाद हमने जो वर्ड फिल करना है उसमें ये रिप्लेस विद में हमने फिल कर दिया। इन दोनों में फिल करने के बाद आप क्या करोगे, फाइंड व्हाट, फाइंड नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड नेक्स्ट, इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे। वर्ड विल फाइंड द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द टेक्स्ट एंड हाईलाइट इन द ग्रीन, आपका जो भी आपने पैराग्राफ जो भी कुछ लिखा था उसके अंदर ये वर्ड जो पहली बार जहां पे आएगा वो वर्ड क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा ग्रे कलर में। देखो आप इस नेक्स्ट पेज पे आइए, नेक्स्ट पेज पे आइए, ये देखो ग्रे कलर का हो गया। हम यह रीड आउट करते हैं, रिव्यू द टेक्स्ट टू मेक श्योर यू वॉन्ट टू रिप्लेस इट, सबसे पहले आप रिव्यू अच्छे से चेक कर लो, आप श्योर हो जो आपको वर्ड चेंज करना है। इन अवर एग्जाम्पल, अगर आप श्योर नहीं तो हमें क्या करना है, उन्होंने एग्जाम्पल दी है, द टेक्स्ट इज पार्ट ऑफ द टाइटल ऑफ द पेपर, जो ये टेक्स्ट यहाँ पे हाईलाइट हुआ है ये क्या है, टाइटल है, हमें टाइटल में कुछ चेंजेस नहीं करने, हमने चेंजेस किस में करनी थी, ये एग्जाम्पल में बता रहे हैं, इन्होंने टाइटल में कोई चेंज नहीं करना था, इन्होंने चेंज करना था जो पैराग्राफ के अंदर, ये बोल रहे हैं टेक्स्ट का है ये तो टाइटल का पार्ट है, इसको तो चेंज इन्होंने नहीं करना था। ठीक है, वी विल क्लिक फाइंड नेक्स्ट अगेन, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अगेन पे करेंगे, मतलब ये वर्ड अगर और कहीं लिखा हुआ है तो वहां पे जाके ये ग्रे हो जाएगा। देखिए आगे पढ़ते हैं हम, वर्ड विल जम्प टू द नेक्स्ट इंस्टेंस, तो वर्ड क्या करेगा, जंप हो जाएगा नेक्स्ट वर्ड पे, मतलब सेम वर्ड उस पैराग्राफ में उस लेटर में जो भी कुछ आपने लिखा है
उसके अंदर ये सेम वर्ड जहां पे नेक्स्ट दूसरी बार लिखा हुआ है ये वहां पे जाके जंप हो जाएगा, वो ग्रे कलर का एरिया आ जाएगा। देखो दूसरी बार इसमें यहाँ पे लिखा हुआ था, पहले टाइटल हेडिंग पे था तो दूसरी बार यहाँ पे था। इफ यू वॉन्ट टू रिप्लेस इट, अगर आपको इसको रिप्लेस करना है तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट वन ऑफ द रिप्लेस ऑप्शन, आपको सिलेक्ट करके रिप्लेस ऑप्शन पे जाना है। ये लिखा हुआ है रिप्लेस ऑप्शन, ठीक है। आपने फिल देखो ये फिल करा हुआ है, सेकेंड जंप होके सेकेंड बार में आ गया है, ये रिप्लेस का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करो। रिप्लेस विद रिप्लेस विल रिप्लेस इंडिविजुअल इंस्टेंसेस ऑफ द टेक्स्ट, इन अवर एग्जाम्पल वी विल चूज दिस ऑप्शन। तो एग्जाम्पल में इन्होंने ये रिप्लेस ऑप्शन चूज किया है, रिप्लेस ऑल, अगर आपको पूरे को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ऑल पे करोगे। ये लिखा हुआ रिप्लेस ऑल, रिप्लेस ऑल विल रिप्लेस एवरी इंस्टेंस ऑफ द नेक्स्ट टेक्स्ट थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। और आपको चेंज कर जो आपने चेंज करना है, रिप्लेस ऑल करने के बाद सारा जो आपको चेंज करना है वो आ जाएगा डॉक्यूमेंट के अंदर, जो भी आपको टेक्स्ट चेंज करना है। द सिलेक्टेड टेक्स्ट विल बी रिप्लेस्ड, तो आपका जो सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट है वो रिप्लेस हो जाएगा। आपने रिप्लेस किससे करना था, ये बड़े वर्ड जो पहला बड़ा वर्ड लिखा हुआ है एस से आर से, इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में एस आर लिख दिया, इन्होंने इस वर्ड को इसमें चेंज कर दिया, तो वो सिलेक्टेड टेक्स्ट जो ग्रे कलर का था वो चेंज हो जाएगा। कब, जब आप रिप्लेस पे क्लिक कर दोगे। नेक्स्ट है व्हेन यू आर डन, आपका अगर काम हो गया है, क्लिक क्रॉस टू क्लोज द डायलॉग बॉक्स, तो आप इस पे क्रॉस करोगे आपको डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए, क्योंकि आपने चेंज कर लिया, रिप्लेस कर लिया वर्ड को। देखो यहाँ पे इस ऑप्शन में आपको एसर इस वर्ड की जगह, यहाँ पे पूरे बड़े स्पेलिंग थे और यहाँ पे आके इनका फर्स्ट लेटर, दोनों का फर्स्ट लेटर जो है यहाँ पे आपको शो हो रहा है, शॉर्ट हो गया, बदल गया ना, रिप्लेस हो गया। नेक्स्ट है यू कैन ऑल्सो सेस द फाइंड एंड रिप्लेस कमांड बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एच ऑन योर कीबोर्ड। अगर आपको सीधा फाइंड रिप्लेस ऑप्शन पे जाना है तो आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस एच दोनों कीज को इकट्ठे दबा के भी आप ओपन कर सकते हो, फाइंड एंड रिप्लेस कमांड को यूज करने के लिए। फॉर मोर सर्च ऑप्शंस क्लिक मोर इन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, फ्रॉम हेयर यू कैन सिलेक्ट एडिशनल सर्च ऑप्शंस सच एज मैचिंग केस एंड इग्नोरिंग पंक्चुएशन। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, बहुत से और ऑप्शंस भी होते हैं, अगर आप मोर पे जाओगे आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे चेंजेस करने के लिए। कौन से चेंजेस, जैसे मैचिंग केस, कुछ मैचिंग मैच हो रहा है, वर्ड नहीं हो रहा उसको चेंज करना है, पंचुएशन, जो कोमास जो भी मार्क होते हैं, साइंस और पंचुएशन मार्क होते हैं उनको इग्नोर करना है, उसमें और भी ऑप्शन आते हैं। अगर इन ऑप्शन को आप यूज करोगे आपको पता लगेगा इसमें से कौन कौन से ऑप्शंस हैं। इन्होंने एग्जाम बताया हुआ है मैचिंग केस, अगर कुछ ज्यादा मैच दो तीन वर्ड्स मैच कर रहे हो उसके बदले में आपको कुछ चेंजेस करनी है, पंक्चुएशन, कोई कोमा है, फुल स्टॉप है, उसके बदले में आपको कुछ चेंजेस करनी है, ये सारा अब मोर ऑप्शन पे जाओगे तो आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे चेंज करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू टुमारो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।